बार देखे मैंने एक्सल 6, क्या कलर ऑप्शन और कोई यानी i20। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय मॉर्निंग वॉक। और सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, रेडी हो चुका हूँ। और आज है ट्यूसडे, तो फिलहाल थोड़े से काम है मुझे, वो सब काम करने हैं। अभी पहले ऑफिस पहुँचूँगा ब्रेकफास्ट करके, ऑफिस पहुँच के ब्रेकफास्ट करके ऑफिस पहुँच के उसके बाद बनाता हूँ शेड्यूल। दो तीन काम पहले जल्दी से निपटाऊँगा, वो काम करने के बाद इवनिंग तक थोड़ा सी बिजी शेड्यूल है भाई। दो तीन छोटे से काम है, वो सब करने भी है, टाइम आज का है मेरे को, जो काम आज करने वो करना ही है। उसके अलावा इवनिंग में मंदिर का देखता हूँ क्या शेड्यूल रहता है। कोशिश तो है भाई, जाऊंगा सीपी वाले मंदिर, बाकी देखते हैं काम के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे भी शेड्यूल बनेगा उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे प्लान। तो चलता हूँ फिलहाल और निकलते हैं, फिर बातचीत करते हैं भाई। अभी निकला जा रहा किसी काम से और ऑफिस पहुँच के ऑफिस से काम करने का था, अब यहाँ पर ले निकला था। यहाँ देखता हूँ कितनी देर लगेगी, थोड़ी सी देर का काम है यहाँ, उसके बाद कहीं और जाऊँगा बाद में। और थोड़ा ट्रैफिक हो जाता है, निकलते ना ट्रैफिक पहले मिलता है, ये तो है ही, निकलेंगे बाद में, पहले ट्रैफिक होगा। यहाँ पे तो हमेशा का ही हो गया, मतलब ट्रैफिक रहता रहता है मोस्टली, पता नहीं क्या चक्कर है, रेड लाइट की वजह से ही है जहाँ तक, रेड लाइट की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक होने लग गया आजकल। मुझे लगा चलो यार निकल जाऊँगा जल्दी से, इतने ट्रैफिक की तो एक्सपेक्टेशन थी नहीं मुझे, लेकिन वेट तो करना ही पड़ेगा, ट्रैफिक है तो उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर तो थोड़ा थोड़ा चल तो रहा है भाई, लेकिन लोग चलेंगे तब की बात है ना, अभी चलेगा भी कितना आगे, रेलेट है, रुकना ही पड़ेगा। कोई नहीं भैया, वेट कर लेते हैं और क्या भाई, सब ग्रीन हो गया, रेड भी हो गया दोबारा, और अब ट्रैफिक चलेगा, मतलब इतना डिस्टेंस आ रहा है। और ये देखो भाई, पहली बार देखिए मैंने एक्सल 6, क्या कलर कॉम्बिनेशन है ये, रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन, ऊपर से ब्लैक भी है, ये तो किसी गवर्नमेंट का ही लग रहा है, क्या बात है। पहली बार देखी मैं ये भाई, तो एक्सल 6 कभी नहीं देखी, बस वन इन ओनली। और बाकी पता नहीं और भी गवर्नमेंट की क्या पता कोई कॉम्बिनेशन है, कलर का क्या सिस्टम बनाया है। दो रेड लाइट हो गए भाई यहाँ तो, अब तीसरी पर रुका हूँ, अब जाके उम्मीद है कि निकल जाऊँगा, लेकिन वो भी तभी जब ग्रीन होगी। अभी फिलहाल आगे तक तक पहुँचे, चलो भाई ये चलते हैं, ग्रीन हो गई है फाइनली, अभी लोग रुक नहीं रहे हैं, लेकिन गर्मी हो गई यार दोबारा से, पहले भी इतना मौसम सही हो गया था, ऐसा लग रहा था भाई मौसम चेंज हो गया, लेकिन अब पता लग रहा है भाई दोबारा गर्मी हो गई है, बढ़िया वाली गर्मी हो गई दोबारा। ये सही बना रखा तमिल लाइफ में, पता नहीं यहाँ की कौन सी गवर्नमेंट है क्या है, अरे संभालो यार, गवर्नमेंट भी क्या है और बंदों को भी देखना चाहिए जिनकी गायें हैं, छोड़ देते हैं ऐसे नहीं भी, एक्सीडेंट होने के बुरे बुरे चांस रहते हैं भाई। मेन रोड है, कोई गली वली तो है नहीं, चलो भाई यार निकल गए अब वेट करने के बाद। अब यहाँ पे देखता हूँ एक तो काम है, काम करके फ्री होते हैं और उसके बाद वापस ऑफिस पहुँचूँगा, ऑफिस में एक दो काम है वो करने हैं, देखते हैं जैसे भी होगा वहाँ निकलना उसके बाद। एक तो मन नहीं करता निकलने का, हेलमेट पहनो, हेलमेट से और गर्मी लगती है भाई, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई साहब, क्या चाहते हो, खट्टे से बचाने के लिए पीछे वाले बंदे को उड़ा दो। चलो यार जरा पहुंचे अब जरा भाई, जिस काम से आया था वहाँ से फ्री होकर निकल गया वापस, और अब ऑफिस जा रहा हूँ, पहले देखता हूँ ऑफिस में क्या सिचुएशन है,
उसके बाद फिर लंच करना है, लंच करके दोबारा निकलना है काम से, लेकिन पहले ऑफिस के एक दो काम वो करूँगा, उसके बाद निकलूँगा जहाँ भी जाना है। यहाँ पर भी थोड़ा टाइम लग गया, एक्चुअली दो जगह जाना था मुझे, तो दोनों जगह होते हुए फिर वापस निकला हूँ। अब थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी था, अब यहाँ पर पानी मिलने लग गया दोबारा से, अब पानी मिलेगा ही मिलेगा हमेशा ही, कहीं पानी हो ना हो यहाँ पानी ज़रूर रहेगा, आता कहाँ से समझ नहीं आता। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, बस किसी तरह टॉयलेट कर रहा हूँ मैं, ये देख लो टाइगन GT, पसंद है लोगों की अपनी अपनी, ये आ रहे हैं खतरों की गाड़ी, कितनी मिट्टी उड़ रही है यार। अभी ये देखो लेफ्ट चले जाएगा, ये आइडिया लग जाता है इन बंदों का तो लेफ्ट मोड़ेंगे भाई, मोड़ी नहीं फिर भी, चलो भाई यहाँ निकल गया हूँ, देखते हैं भाई कितनी देर लगती है आगे और कहाँ का ट्रैफिक मिलेगा पता नहीं। बाइक में सोचा था कि आज पंचर लगवा लूँगा, लेकिन आज मुझे जिस हिसाब से लग रहा है टाइम नहीं मिलेगा, आज ही बता रहे पंचर नहीं लग पाएगा, थोड़ा सामान रखा हुआ है आगे जा रहा ना, तो उसको भी देखते हुए आराम से चलानी पड़ रही है भाई। अब यहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन तो कर दिया, इसको सही नहीं करा अभी तक, खट्टे जगह थे वैसे के वैसे ही है, देखो कितना गड़बड़ कर रखा है, इसको सही करके बराबर कर दें तो आराम से ना निकल जाए लोग। चलो भाई चलो करा ली भाई रेड लाइट, कुछ हो गए आप बैठ जाओ आराम से, कोई बात नहीं मत चलाओ, जब रेड लाइट हो ही गई है फिर तो वेट ही करो आराम से उसके। चलो जी निकल गए, ये भाई साहब पहले निकलेंगे, थोड़ी स्पीड हो जाए यार, करते भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, गया रेलेट हो रही है, अब वेट करना पड़ेगा, ग्रीन हो गई है वैसे, चलो भाई ज़रा पहुँचता हूँ ज़रा, उसके बाद दोबारा निकलते हैं फिर बातचीत करते हैं। अब भाई अभी निकले ज़रा मंदिर जाने के लिए, तो आज लास्ट ट्यूसडे था मंथ का, तो इसलिए आज तो भाई जाना ही था, फिर मैंने दिन में नोटिस किया कि भाई ये तो ट्यूसडे लास्ट है आज का, आज अगर इस मंथ का तो भाई दर्शन करने जाने जाना था, तो अभी निकला था बस, और ऑफिस से आ गया था, ऑफिस के बाद में मतलब बीच में दिन में जाना था एक जगह काम से, बट वहाँ जाना कैंसिल हो गया प्लान, तो वहाँ गया नहीं, तो उसके बाद अब सीधा ऑफिस में काम वाम करके फ्री होके चाय वगैरह पी के अब निकला हूँ सीधा मंदिर के लिए, डायरेक्ट मंदिर जाऊँगा दर्शन करके डायरेक्ट घर आना है। अब आगे रेलेट है तो यहाँ वेट करो पहले, रेलेट भी लंबी है देखो भाई, तो अच्छा खासा वेट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं भाई वेट करते हैं और क्या ऑप्शन, और कोई यानी i20 मस्त लग रही है भाई, क्या बात है बढ़िया बना रखी बंदे ने गाड़ी, चलो भाई कर लेते हैं वेट, थोड़ा आगे पहुँचता हूँ, आगे पहुँच जाऊँगा वैसे मेरे को लग रहा है, तो आगे रुकते ना जाके फिर यहाँ के रुकेंगे, आगे आ गया तो चलो भाई थोड़ा सा ना रास्ता कवर कर लेता हूँ मैं, फिर आगे वो दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं कि आज का व्लॉग मेरे को लंबा होता दिख रहा है इसलिए, तो बाद आगे पहुँच के फिर बात करते हैं कंटिन्यू। तो भाई आ गया हूँ थोड़ा आगे, और अब दोबारा व्लॉग स्टार्ट कर लिया है मैंने, क्योंकि थोड़ा रास्ता था मैंने सोचा स्पीड में क्रॉस कर लो रास्ता ताकि दिक्कत ना हो फिर मुझे,
लेट हो गया था थोड़ा सा मंदिर के लिए, इसलिए पीछे थोड़ा बहुत ट्रैफिक था, इतना कुछ खास नहीं था, थोड़ा बहुत था स्टार्टिंग में और लाइट सारे क्लियर नहीं मिले मोस्टली, तो यहाँ तक मतलब अभी टाइम से पहुँच पाया तो और लेट हो जाता मैं। अब यहाँ से लेफ्ट लेना है, ले लो भाई सब ले लो लेफ्ट। और बाकी दिन की बात करो तो दिन तो सही गया, जो भी काम थे सब हो ही गए आज वाले, मोस्टली छोटे मोटे काम होते रहे थे, मोस्टली तो हो ही गए वैसे। बस सीधा मंदिर पहुँचना, पता नहीं मंदिर में कितना रश होगा, रश होगा या नॉर्मल होगा क्या नहीं सकता भाई, देखते हैं भाई कब से कम रश मिले, मैं तो ये चाहता हूँ। स्कूटी वाला पूरा जोश में है बंदा, जो पीले बंदे आ रहे हैं आजकल, चल रही नहीं अच्छे ढंग से, वह लहर आ रहा है, ये देखो कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहते हो बेटे, अरे कहाँ जाना चाहते हो, घर में पूछ के आओ कहाँ जाना था, नाश्ता भूल गए हो शायद, इतनी जल्दी मैं बेचारा कहीं ना कहीं घुसा घुसू कहीं ना कहीं पहुँच ही जाऊँगा। मैं तो लेफ्ट दूँ तो जाता रहे, जहाँ जाना है चलो भाई, अब जरा पहुँचता मैं भी, जरा मंदिर दर्शन करते हैं फिर बातचीत करते हैं वहाँ निकल के। भाई मंदिर से दर्शन करके निकल गया हूँ और वापस घर चलिए, दर्शन हुए बहुत बढ़िया दर्शन हुए, लेकिन भीड़ थी बहुत बढ़िया वाली, अच्छे लेवल की भीड़ थी, बस लास्ट तक मुझे दर्शन मिला इस बार भाई पूरी भीड़ मिली है, बाकी ठीक है जैसे दर्शन देने वैसे भीड़ मिलेगी भाई। अब आगे का सीनर अलर्ट हो रही है, आराम से चलते हैं भाई, बन भी है लेकिन आ जाता है कोई कोई हीरो जिनकी बात भी अच्छी होती है मोदी जी से। क्या हो गया, अरे सीधी दे रहे हो, मुझे लगा पता नहीं क्या बात हो गई, कोई गेट वेट खुला है क्या है, हो भाई रेलेट ही नहीं है यहाँ पे कार, ये लगता है फ़ौरन वाला चौक एकदम, ऑटो वाले भैया रुक जाओ, हीरो हीरो लेके बीच में आएंगे, बहुत बढ़िया और रखा सब कुछ सिस्टम। अभी यहाँ पे गोल मार के भाई से बन नहीं पा रही है, पता नहीं कितने साल हो गए इसको बनाते बनाते बन नहीं पा रहे है, क्या बनाना चाह रहे हैं इसमें, ताजमहल बना देंगे क्या बना देंगे, कौन सा महल बनाएंगे, बनाओ भाई कुछ तो बनाओगे, काम ही नहीं चल रहा, मेरे को तो लग रहा काम बंद कर रखा है इन्होंने, क्या पता नहीं दो मजदूर छोड़ रहे वही बना रहे हैं और बाकी सब कोई नहीं, और लेवल अलग है, ये देखो साइड में कितनी प्यारी लग रही है, मस्त लग रही है, और पास से दिखाऊँ जरा पास से आए बस तेरा ब्रेक मार दी, ब्रेक ना हो सीधा घुस जाऊँ उसके बम्पर में, ये जेट ब्लैक मस्त लग रही, देख लो ये DRL कितनी प्यारी लग रही है, सही है भाई, बस देखो बस इससे भी ज़्यादा प्यारी लग रही है, पीछे देखो कितनी उठा रखी है, मजाक कर रहा हूँ भाई, काट ले भाई बाइक तो आराम से नीचे घुस जाएगी इसके, इतनी ऊंची बस है ये, चला भाई चला खींच के ले गया, ज़्यादा ही ऊँची रखती है भाई, मुझे भी जाने दो इधर लेफ्ट में ले लेना, हाँ अब कर दे जो करना है, ये वाला तगड़ा है भाई, कह रहे कि चला ले तुम मजे ले ले कोई बात नहीं, 4000 किलोमीटर होने वाले सर्विस कराने का नाम नहीं हो ले रहा, कराऊंगा भाई सर्विस कराऊंगा, चिंता मत कर भाई, तुझे भी सर्विस करवाऊंगा बढ़िया बनाऊंगा, चिंता मत कर, थोड़ा रस्ता क्रॉस कर लूँ फिलहाल मैं, अब रेड आएगी ग्रीन है सामने, ग्रीन है यू टर्न की जो बंद है, तो चलो भाई अब पहुँचता हूँ जरा मैं घर, फिर बातचीत करते घर पहुँच के। अब तो भाई मंदिर से आ गया था, मंदिर से आके बाद डिनर वगैरह करा, बाइक वाइक पार्क करी थी और अब रेस्ट करूँगा और व्लॉग एडिट करना है, उसके अलावा और कुछ किया नहीं, लेट ऑलरेडी हो गया था और क्या करता भाई, तो आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया, तो
बाकी सब कुछ बढ़िया रहा, ठीक है, दर्शन वगैरह बढ़िया हो गए। और अब कल देखते हैं कल का शेड्यूल रहता है, कहाँ निकलना है कहाँ नहीं जाना, वो तो ऑफिस पहुँच के पता चलेगा कहाँ जाना है। तो करते हैं इसको पॉइंट, कल मिलेंगे नहीं मिलेंगे नहीं बता सर, तब तक के लिए बाय बाय। तो अपना ध्यान रखना, कल मिलते हैं, बाय।